अस्सलाम प्यारे बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपकी मुश्किल और परेशानी को ख़त्म करें। अगर कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो मदरसा फातिमा तुज़हरा से मदद हासिल कर सकते हैं। बहुत से ऐसे परेशान भाई बहन हैं जिनका रिस्क बंद है, पैसा दौलत उनको लगता है उनके नसीब में ही नहीं है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान को उसका रिस्क ऐसे तलाश करता है जैसे मैं जब हुक्म देता हूँ मौत का, तो मलाकुल मौत जो उनसे मरने वाले जो होते हैं ना, उनको तलाश करते हैं, ठीक है। और जो जादू करवाते हैं ना, और जो जादू से रिस्क बंद करवाते हैं, कारोबार आपका बंद करवाते हैं, वो तो वैसे भी मुसलमान नहीं होते, वो तो वैसे भी काफर ही कहलाते हैं। ये काफरों का काम है। आज असल में फरमाया, वो लोग मुसलमान होने के बावजूद हम में से नहीं हैं जो जादू करवाते हैं। दुकान पर बंदिश तो नहीं लगी, आज हम रिस्क की बंदिश ख़त्म करेंगे, दौलत की बंदिश ख़त्म करेंगे, जिसको शादी का मसला है और शादी की बंदिश है उसको ख़त्म करने का अमल सीखेंगे। अमल में अगर जादू से बंद किया गया उसको भी समझेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने एक छोटे से कागज़ के ऊपर इन तीन लफ्ज़ों को लिखना है, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, ठीक है, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। इसको अपने सीधे हाथ में इस कागज़ को रख कर आपने 5 मिनट के लिए अपने हाथ को बंद कर लेना है। अगर आपका हाथ गर्म है, आप पर जादू है, आप पर बंदिश है, आप पर सफलीलम है। अगर आपका हाथ ठंडा है और गर्म नहीं हुआ, ठीक है, अगर गर्म हाथ है तो फिर तो आपके ऊपर जादू और सफलीलम है और बंदिश है। अगर आपका हाथ जो सा है वो गर्म नहीं हुआ, ठंडा है, तो फिर आपके ऊपर नजरे बद है, ठीक है। अगर आपका हाथ ना गर्म है ना ही उस जुनसा है, आपको इतनी हाथ में सर्दी फील हो रही है या ठंडक फील हो रही है, नॉर्मल आपका हाथ है, तो फिर आपने कोई ऐसी गलती की हुई जिसकी वजह से आपका रिस्क बंद हो गया है। बहुत से ऐसे बहन भाइयों का रिस्क पता क्यों बंद होते हैं, वो अब जब उनके घर बेहिसाब रिस्क आता है ना, तो वो लोगों में कहना शुरू कर देते हैं हमारे पास इतना रिस्क है, ये वो, इंसान को इंसान नहीं समझते। अल्लाह पाक उनसे देकर भी आजमाते हैं, अल्लाह पाक लेकर भी आजमाते हैं, तो अल्लाह पाक ने उनका रिस्क ख़त्म कर दिया। बहुत से ऐसे बहन भाई जो उनसे शेखी में, लालच में, गरूर व तकब्बुर में, तो अल्लाह पाक के कलाम का इस्तेमाल करते हैं और फिर जब अल्लाह पाक रिस्क देते हैं और तकब्बुर करते हैं लोगों को, इंसानों को एक ज़र्रा भी अपने रिस्क में से नहीं देते, तो अल्लाह पाक गुस्सा होते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। ये जो अमल है हाथ वाला, ये जुम्मतुल मुबारक को करना है। जब जुमे की नमाज हो जाए उसके बाद आप करें। कोई घर में मर्द हजरात हैं वो ये लिख कर दें और अमल करें। अगर आपको लगता है ख़वातीन का मसला है तो ख़वातीन को भी आप ये अमल करके, आपको पता लग जाएगा कि उनके ऊपर, मतलब कि उनके ऊपर बंदिश है या उनके ऊपर जादू वगैरह है। सूरह कौसर, एक गिलास पानी लें, पानी लेने के बाद आपने सूरह कौसर को, एक छोटा बच्चा लें, ठीक है, आपने अपना रिस्क बुलंद करना है ना, आप चाहते हैं कि आपका रिस्क इतना ज़्यादा हो जाए, इतना ज़्यादा कि लोग आपके दर से खाएं, ठीक है, तो फिर ये काम भी करें। आप सूरह कौसर लें, सूरह कौसर पढ़ें, पढ़ने के बाद पानी पर दम करें एक बार, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ एक बार सूरह कौसर को पढ़ के पानी पे दम करें। अब ये जो नक्श है ना अल्लाह के नाम का, ये आपने ना फोटोकॉपी करवा लें या कागज़ पे खुद बना लें, बहुत आसान है, ठीक है, ये खुद बना लें। बनाने के बाद ना आप जिसने दम करना है, जिसने दम करना है वो अपनी पॉकेट में रख सकता है, वो अपने पास रख सकता है, वो दम करने के बाद ये पानी ना उस बच्चे को पिला दें, बच्चे को पिला दें। अब इसमें बच्चे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े भी पी सकते हैं, बच्चे भी पी सकते हैं, लेकिन उससे ये फ़ायदा होगा, एक तो जब हम सूरह कौसर को जब पानी पे दम करेंगे ना और बच्चे को पिलाएंगे ना, तो घर में बच्चे ज़्यादा रूहानियत वाले होते हैं,
बच्चे ज़्यादा अल्लाह पाक जिनकी दुआएं कबूल करते हैं ना वो बच्चे होते हैं। ठीक है, बेशक मीठा पानी कर लें, कोई मीठा जूस ले लें, पानी ले लें, मीठा ले लें, पर बच्चे को पिलाएं। आप यकीन माने, जब बच्चे को पिलाएं ना, तो आपने अपने कारोबार को बुलंद करना है ना, बच्चे से दुआ करवाएं, सूर्य कोसर का पानी पिला कर दुआ करवाएं। रिजक दौलत, अगर शादी का मसला है, फ़र्ज़ करें शादी नहीं हो रही, काफ़ी सालों से बंदिश लगी हुई है, बंदिश भी टूट जाएगी, बच्चा पानी पिएगा ना, आपकी शादी की दुआ करें शादी हो जाएगी। पैसा चाहिए ना, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, कारोबार पर बंदिश लगी, दुकान पर बंदिश लगी, फिर बच्चे को दुआ करें कि अल्लाह पाक से दुआ करो कि ना, आप लफ्ज़ दोहराओ कि ए बच्चे अल्लाह पाक से दुआ कर कि हमारी दुकान पर रश लग जाए, हमारी दुकान की बंदिश ख़त्म हो जाए, आपका मसला हल हो जाएगा, हमारे कारोबार की बंदिश ख़त्म हो जाए, रिस्क आने लगा। तीसरे दिन इतनी इतना रश होगा, इतनी इतनी चहल पहल होगी कि आपकी सोच है। इस नक्श को, अल्लाह के नक्श को आप बनाकर, ठीक है, आप अपनी बाजू पर भी बांध सकते हैं, अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, जिस जगह आपका कारोबार है, दुकान है, कारोबार है, या कोई ऑफिस है, दफ्तर है, गाड़ी है, कुछ भी, ये नक्श जो है बनाकर अपने पास रख लें, गाड़ी में रख लें, या फिर कारोबार वाली जगह पे रख लें, घर में रख लें। इसकी इतनी ही ज़्यादा फजीलत है जितनी बाहर कारोबार में है, दुकान में, घर में भी इतनी फजीलत है। अल्लाह के कलाम से मदद लें, जादू टूने से दूर रहें, बंदिशें इन चीज़ों से, लोगों से तड़वाने से बेहतर है आप खुद खुद अपनी मदद खुद करें, खुद के आमिल खुद बने। ठीक है, आमल अमल करने वाला, अमल करने वाला अल्लाह का वली, याद रखें इन चीज़ों को। ठीक है, इसी के साथ इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत प्यारा अमल एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके ऊपर भी अगर कोई बंदिश है, कोई जादू सफली इलम है, या कोई दुकान पर है, कारोबार में, ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं, या अमल करवाना चाहते हैं, या अमलियात सीखना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक ऐप पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी कंट्री मौजूदा, और मसला बयान, ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तखारा भी करवा सकते हैं। जज़ाकअल्लाह। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रब्ता करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं है, अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं, उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती। जज़ाकअल्लाह।